जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में किशोरी की हत्या का शव फेंकने जा रहे व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में गुंथल रोड पर स्थित आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की नाबालिग बच्ची शाम के समय कॉलोनी में ही खेलने के लिए गई, लेकिन जब काफी देर बाद भी बच्ची लौटकर घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन बच्ची का कुछ भी नहीं पता चल सका। इस बीच परिजनों ने बच्ची को दयाराम के घर जाकर भी पूछा, जहाँ पर वे अक्सर टीवी देखने के लिए चली जाती थी, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। परिजनों ने बच्ची की पूरी रात खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिली। इसी बीच तड़के 4 बजे दयाराम टाट की बोरी में कुछ लेकर जा रहा था। कॉलोनी के लोगों ने दौड़कर जब उसे पकड़ा तो उसमें बच्ची का शव हाथ पैर बंधा हुआ बरामद हुआ, जिसके बाद लोगों ने दयाराम को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी दयाराम को गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पहुंचे अधिवक्ताओं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही की मांग करते हुए प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है, जहां पर 9 वर्ष की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। मजदूर आदमी था सतपाल, जो है वो अपने परिवार के साथ में विकास नगर में रहता था, तो उसकी जो है उसके आगे ही है आनंद विहार कॉलोनी। उसकी 9 वर्ष की छोटी बच्ची थी, वो पड़ोस में जो है शाम को टीवी देखने के लिए गई हुई थी, जो अभियुक्त है दयाराम उसके घर पे। तो वो शाम से ही जब नहीं मिली तो वो उसका लड़की का पिता ने उसे तमाम उसे ढूंढा सारे में, कोतवाली भी आया लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन चूंकि लड़की का पिता था, रात भर बेचैन रहा, जागा रहा, तो रात में 3-3.30 बजे के लगभग जब वो घूम रहा था, लड़की को देख रहा था, तो ये जो है इसके दयाराम पड़ोसी के यहाँ पे कुछ इस तरह का उसने जब देखा तो वो एक कट्टे में जो है उसको उसकी लाश को छुपा रहा था। और ये पहुँच गया और इस जब ये और इसकी पत्नी पहुँच गई, कुछ और भी लोग जब पहुँच गए, तो ये दयाराम जो है इसको कट्टे से इसको लेके कहीं पे भागने का प्रयास करा, लेकिन वो अल्टीमेटली पकड़ा गया है। क्या मामला था जो आप लोग सब कोतवाली आए हैं? कोतवाली एक 9 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, बलात्कार मर्डर का मामला है। बड़ी दुस्साहसिक घटना है कि होने के बाद में उसी मामले में हम लोग आए थे। गरीब परिवार है, अपने परिवार को लेकर रह रहा था, उसकी 9 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर किया गया। उसी में उसे न्याय मिले। पूरे प्रदेश में जंगल राज है, बहुत ख़राब स्थिति, ना बेटियाँ सुरक्षित हैं ना आदमी सुरक्षित है, इसीलिए कोतवाली आए थे कि उसको न्याय मिल पावे। और जो अपराधी हैं उन पर पासको और जगन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो ही गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे कि एक वो पुलिस का इकबाल बुलंद हो सके। साहब मैं ढूंढने लिख रहा था, मैं 6 बजे से इसके घर में पूछा था, पूछताछ किया मैंने, तो जी हका ये लिख रहा नहीं था। फिर 3:30 या 4 बजे करीबन इसके उस टाइम मेरे मोबाइल हका नंबर मैंने देखा नहीं था, तो ये लेकर जा रहा था। फिर तो इसने लड़की, मैंने कही लड़की तो मरी हुई है इसमें, तो हका वो लड़की तुम्हारी हका मरी हुई है इसमें, तो आप ये बोला दयाराम, इसने क्या लड़की तो मरी हुई है। मैंने कही तो मैंने रंगे हाथ में पकड़ लिया, मैंने और मेरी घरवाली ने, तो बोले मरी कैसे, तो बोल क्या सांप ने काट ली। मैंने कही सांप ने काट ली तो 6 बजे काटी तो इतना बताई क्यों नहीं, फिर बोरिंग बंद क्यों है। तो साहब पुलिस वाले पहुँच गए हैं, तो जब ऐसे बोले कि देखियो इसमें क्या बात है, तो जो है का एक ने बोला मेरे साहब मेरी बसी बात ना है, मैं लड़की नहीं देख पाऊंगा, आप देखो। पुलिस वालों ने एक ने जो का उठा कर देखा, पुलिस को साहब कॉलोनी वालों ने फ़ोन किया था। हाँ तो जो का उसके पैर बंधे हुए थे साहब, मुझे अंधेरा आँखें मिच गई, मेरी बेटा तो मेरी मार डाई भैया जाना, तो फिर मुझे आँखें मिच गई थी। फिर आए हुए मैं इसने बलात्कार करके मेरी बेटी तो मार डाई क्यों, इसके पैर बंधी हुई थी लड़की की, तो मेरी मैं तो बेहोश हो गया उसके लिए लड़की देख के अपनी। जो शाम को पड़ोस में टीवी देखने गई और टीवी देखने के बाद वो अपने घर नहीं लौटी, तो घर वालों ने सोचा बच्ची है क्यों नहीं आई, ढूंढने हुए घर से निकले लेकिन नहीं मिली। कोतवाली आए, तहरीर वगैरह दी, लेकिन उस टाइम तक कोई कार्रवाई नहीं। रात को देखा भाई पिताजी है, माँ बाप हैं, ढूंढ रहे हैं बच्चे को, बच्ची नहीं मिल रही थी, तो पड़ोस का ही दयाराम उसे कट्टे में भर के कहीं जंगल में दबाने के लिए ले जा रहा था। अचानक नज़र पड़ी, उन्होंने देखा क्या लेके जा रहे हो, तो वो एकदम भागा, उसको पकड़ लिया, कट्टे में देखा बेटी की लाश है। उसके बाद हम लोग थाने आए हैं, सुबह पता लगा था कि ये जघन्य अपराध होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जितने कल एक पहले एक लड़की अपने घर से शाम को गई थी खेलने के लिए, लेकिन घर जब वापस नहीं आई है तो उसके परिजन
उसको खोजने के लिए निकले हैं तो उसको ये पता लगा कि ये लड़की इसी मोहल्ले के रहने वाले दयाराम नाम के घर पे गई थी टीवी देखने, और उसके बाद जब ये लोग तलाश करते करते सुबह हो गई तो सुबह 4 बजे देखा कि दयाराम हाथ में एक टाट की बोरी में कुछ लेके जा रहा था। उन लोगों ने दौड़ा के उसको रोका, पूछा तो उसने देखा कि उसकी बच्ची की उसमें लाश मिली है। तब तक उसको उन्होंने पकड़ के तुरंत पुलिस को सूचना दिया है। पुलिस तत्काल मौके पर आई है और बोरे को अपने कब्जे में लेके आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया। सर, रेप की आशंका जताई गई है, क्या ये घटना को एक अकेला इंसान था घटना को अंजाम देने वाला, ये कुछ और लोग भी? ये अब जब पीएम रिपोर्ट के बाद ही जब मिलेगा तब इस पर कुछ आरोपी से पूछताछ में कुछ अभी तक पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला, रेप पीएम के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है।